हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। स्टार्ट करेंगे विप्रो के साथ। विप्रो 3% तक गिरते हुए देखने को मिल गया, बट जैसे कि आपको पता ही है, आज के दिन की बात करें इंटायर आईटी स्पेस में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। क्योंकि यस्टरडे नाइट की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है नैसडेक जबरदस्त कोलैप्स हुआ था। एंड जब भी नैसडेक में गिरावट होती है, यूजुअली हमारे आईटी सेक्टर में भी उसी प्रकार का रिफ्लेक्शन देखने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि नैसडेक जो रहता है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ इंडेक्स हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो इसलिए आप देख सकते हैं विप्रो में सबसे ज़्यादा गिरावट थी। एमएफएसएस, एलएनटी इन्फोटेक, माइंडट्री, कोफोर्ज, एलटीटीएस, इन्फोसिस, परसिस्टेंट सिस्टम से लेकर टीसीएस, एचएलटेक, सब में हम लोग को अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे निफ्टी आईटी में टेक महिंद्रा थोड़ा सा हरे निशान में यहाँ पे चल रहा था। देन दोस्तों बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे बीएसएनएल, यस बीएसएनएल की बात करें तो वैसे तो पूरा ही शांति था, बट बीच में ही बीएसएनएल की जो खबर थी वो एकदम आग पकड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। इसके पीछे का रीज़न था कि जैसे ही जियो की बात कर ले, एयरटेल की अगर हम लोग बात कर ले, वोडाफोन आइडिया की बात करें, तीनों ने एक साथ अपने जो प्लान्स है चार्जेस की अगर हम लोग बात करें, चार्जिंग से रिलेटेड जो भी डेटा जो हम लोग खरीदते हैं उसका प्राइस उन्होंने सडनली 10%, 15%, 20%, 25% तक बढ़ा दिया। ठीक है, तीनों ने एक साथ, मतलब अगर आपको एक के ऊपर गुस्सा है तो आप दूसरे जगह पे अगर जाओगे तो वहाँ पे भी सेम स्थिति। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। उसके बाद बीएसएनएल में काफ़ी खबरें आई थी, लोग पोर्ट कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है करके। एनीवेज, सो बीएसएनएल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एक अपडेट सामने आ रहा है। एंड बीएसएनएल अभी भी आपको पता है 4G ही लाने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ठीक है, बाकी ये जो प्लेयर है वो 5G में यहाँ पे काम कर रहे हैं एंड 6G की भी बातें अपने जनरल मीटिंग में यहाँ पे कर रहे थे। वहीं पर अगर हम बीएसएनएल की बात करें तो 4G से रिलेटेड ही अभी तक चीज़ों को प्रॉपरली रोल आउट नहीं कर पाए हैं। एनीवेज, अगर हम लोग बीएसएनएल की बात करें, चलो इनके लिए एक अच्छी खबर है कि सरकार इनको और 6000 करोड़ देने वाली है। किस चीज़ के चलते, क्या पर्पस है? टू मीट कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड वो भी किसके लिए? 4G रोल आउट करने के लिए। मतलब 4G में सरकार और पैसा डाल रही है, कितना? 6000 करोड़। रिसेंटली उन्होंने लगभग 15-16 हज़ार करोड़ प्राइवेट प्लेयर्स को दिया था 4G को यहाँ पे, मतलब जो इसके रिलेटेड इक्विपमेंट रहते हैं, सॉफ्टवेयर रहता है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जिसमें हम देखा था TCS था, देन तेजस नेटवर्क था, ITI था। ठीक है, तो और इनको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है किसमें? 4G में। ये एक काफ़ी दुखद बात हम लोग को देखने को मिल रही है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स तो ऑलरेडी हम लोग को काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेशन वाइड रोल आउट 1 लाख साइट जो हम लोग को देखने को मिलेंगे, वो पहले उन्होंने बोला था, देखिए कब तक होगा, दिवाली 2024, अभी इसी साल की बात हम लोग कर रहे हैं, बट अभी उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, बोल दिया कि नहीं और यहाँ पे डिले होगा, कि लगभग 2025 के मिड में कंप्लीट होगा। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है गवर्नमेंट कंपनीज से रिलेटेड। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, अनाउंसमेंट काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, बट टाइम आ जाता है एग्जीक्यूशन का तो ये सारी चीज़ें पीछे हम लोग को रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड फिर ये जो प्राइवेट प्लेयर रहते हैं वो काफ़ी आगे यहाँ पे दौड़ जाते हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितना इनका 4G डिले होते हुए देखने को मिलेगा, उतने ये प्राइवेट प्लेयर्स हम लोग को और ज़्यादा मजबूत होते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो डेफिनेटली इनके लिए अच्छी खबर भी देखने को मिल रही है। ठीक है, 6000 करोड़ मिला है, बट 4G की बात हो रही है, एंड वो भी सब कुछ खत्म होगा 1 लाख साइट्स की बात करें मिड ऑफ 2025 में। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना समय अभी भी यहाँ पे बाकी, मतलब आप कह सकते हैं कि और 1 साल यहाँ पे बीएसएनएल को लग सकता है। उसके बाद क्या होगा वो भी हमें पता नहीं। अगर 1 साल भी लग गया तो भी बहुत बड़ी बात है, मतलब अच्छी बात है कि उसके भीतर ही अगर उन्होंने कर लिया करके, बट अभी तक का सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देख के लगता तो है नहीं कि 1 साल में भी उनका काम कंप्लीट होगा करके। हो गया तो अच्छी बात है, चलो देख लेंगे क्या होता है नेक्स्ट। अगर हम लोग बात करेंगे IEX, सो IEX की बात करेंगे तो कंपनी का बिजनेस तो आपको बताइए मोनोपोली टाइप का यहाँ पे बिजनेस है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेज। एंड बीच में ही सरकार ने जो मार्केट कपलिंग, आरके सिंह जी ने यहाँ पे जो बात लेकर वो यहाँ पे आए थे, इनकी मोनोपोली पूरी तरीके ध्वस्त यहाँ पे होने वाली थी। देखिए एक्चुअल में मोनोपोली मतलब ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, बाकी को अलाउड नहीं कर रहे करके, बाकी भी एक्सचेंज है, बट इनके पास काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम से लोग यहाँ पे आते हैं, प्राइस डिस्कवरी यहाँ पे हो जाती है, तो इसी चीज़ के चलते बाय डिफॉल्ट इनको फायदा यहाँ पे हो रहा था। चलो वो तो ठीक, अभी भी हम लोग इंतजारी कर रहे हैं मार्केट कपलिंग से रिलेटेड नए जो मिनिस्ट्री देखने को मिल रही है उनका क्या विचार है, बट अभी फिलहाल की अगर हम लोग बात करें IEX का जो सब्सिडरी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो फोकस करते हुए देखने को मिल रहा है टू इशू द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इन हमारे मार्केट, यस हमारे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो। एंड परसेंटेज टर्म में भी अगर हम लोग बात करें IEX का जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा है वहाँ पे तो 35-36% की ग्रोथ तो नज़र आ रही है, ये भी हम लोग को मंथली डेटा देखने को मिल जाता है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी की सर्टिफिकेट सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे तो 737% की जंप देखने को मिल रही है, बट होल्ड ऑन, हमें सभी लोगों को पता ही है जब बेस काफ़ी
लो रहता है, तो इस प्रकार के बड़े बड़े परसेंटेज दिखते हैं। एक बार बेस यहाँ पे नॉर्मलाइज हो गया, फिर आगे सेम प्रकार का ग्रोथ दिखाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। बट फिलहाल हम कह सकते हैं इसी चीज़ का फायदा IEX उनके शेयर होल्डर को होते हुए देखने को मिला, बट फिर भी वो लटकती हुई तलवार उनके सर के ऊपर हमेशा यहाँ पे ऐसे ही झूलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। अभी वो कब टूटेगी, नहीं टूटेगी, एक दिन के बाद टूटेगी, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, एक साल के बाद, किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये एक ज़रूर हम कह सकते हैं अनसर्टेनिटी वाला माहौल IEX एंड उनके शेयर होल्डर के ऊपर फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ओला इलेक्ट्रिक, यस ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे। जैसे निफ्टी हमारा लगातार यहाँ पे ऊपर ही चल रहा था, ठीक है, 13-14 दिन तक हम कह सकते हैं चलो फाइनली वो यहाँ पे रुक ही गया, लाल निशान आ गया। वैसे ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, सिक्स स्ट्रेट सेशन ओला इलेक्ट्रिक हम लोग को नीचे 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 ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड हम कह सकते हैं टॉप लेवल से अभी कंपनी रफली 30% के आसपास, ये तो मैंने ऐसे ही कैलकुलेट कर ले, 24% है। प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे टॉप से लेकर अभी तक 30% हम लोग को स्टॉक डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो एज यूजुअल ये चीज़ें तो चलती रहती है, जैसे मैंने हमेशा कहा है जो तेज़ी के पीछे यहाँ पे भागेगा, ठीक है, उसको हमेशा दिक्कत होगी कि स्टॉक जब गिरेगा तो क्या करे करके। ठीक है, जिसने बिजनेस देखा है भाई, ठीक है, उसको लगता है कि इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा होगा, भविष्य में कंपनी काफ़ी अच्छे करेगी, तो उसको इस प्रकार की गिरावट से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट ये जो चीज़ समझने के लिए काफ़ी टाइम यहाँ पे लगेगा। ठीक है, जो बिगनर होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें समझने के लिए उनको, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू यहाँ पे गुजरना पड़ेगा, तभी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सो फिलहाल तो हम कह सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक के लिए भी, जैसे निफ्टी के लिए हम कह सकते हैं लाल निशान आज देखने को मिला, ओला इलेक्ट्रिक के लिए हरा निशान कब प्रॉपरली देखने को मिलेगा वो एक देखने वाली बात होगी। लगातार हम लोग को एक गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं सर इस कंपनी का क्या होगा करके। अरे अगेन कह रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, बिजनेस कैसे करेंगे उसी के ऊपर तो है। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इनके लिए, अभी जो फीडबैक मार्केट में देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो प्राइस है इनके, जो बाइक्स देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े कॉस्टली हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, भावेश अग्रवाल जी की भी अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने भी यही बोला है कि उनका भी टारगेट यही चल रहा है कि उस बाइक का प्राइस उनको नीचे लाना है करके। अगर बाइक बहुत ही अगर उन्होंने सस्ते ला दिए तो फिर जाके हम कह सकते हैं वो गेम चेंजर साबित हो सकता है करके। एंड इसीलिए तो वो बैटरी सेल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा, भावेश अग्रवाल जी का लेटेस्ट अगर आप स्पीच सुनोगे तो उन्होंने यही कहा है कि वो बैटरी सेल्स के ऊपर ज़बरदस्त फोकस कर रहे हैं एंड वही गेम चेंजर साबित होगा करके। तो ये बात बोली तो है उन्होंने, अगर ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट अगर वो कर पाए एंड अगर इनके अगर बाइक काफ़ी ज़्यादा सस्ते बाजार में अगर आना स्टार्ट अगर हो गए तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद से वो गेम चेंजिंग साबित यहाँ पे हो सकता है करके। बट अगर प्राइस अगर इतने हायर लेवल पर रहे तो दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे मैंने ग्राउंड लेवल की एक रिपोर्टिंग आपके सामने रखी थी, कौन सी, कि काफ़ी लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बुरी लगी थी कि जिस प्रकार का डिज़ाइन है, ठीक है, एक स्कूटी टाइप की चीज़ें हम लोग को, मतलब आप 1,00,000 भर के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जिस प्रकार का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है उससे काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। एक ग्राउंड लेवल की चीज़ें जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई, कोई बिजनेस यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, आप कमबैक कैसे करते हो ये देखने वाली बात होगी। बट यस, उसके लिए भी कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट चाहिए। सबसे बड़ा इनके लिए प्रॉब्लम यही बन चुका है कि लगातार इनका मार्केट शेयर नीचे 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 ही हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस सेगमेंट में अच्छा कंपटीशन भी है, जब भी हम लोग यहाँ पे इसकी बात करते हैं काफ़ी लोग टाटा मोटर की ओर चले जाते हैं। अरे टाटा मोटर आज भी अगर देखा गया तो उसको उस लेवल का कंपटीशन मार्केट में नहीं मिल रहा है, इतना जल्दी उन्होंने स्टार्ट किया था। बट ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, काफ़ी मार्केट में ऑलरेडी प्लेयर एग्जिस्ट है, मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था, ठीक है, आप सभी लोगों ने वो देखा ही होगा कि शार्क टैंक वाला भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था। तो ये चीज़ें बिजनेस लेवल पे स्टडी करनी है भाई, प्राइस देखकर इमोशनल डिसीजन नहीं लेने होते हैं। ठीक है, कल 200 हो गया इसलिए एंटर करो, कल 20 हो गया तो इसलिए एग्जिट करो, तो ऐसा नहीं होता है। प्रॉपरली बिजनेस को समझो, रिस्क को समझो, उस हिसाब से आप अगर डिसीजन लोगे तो आप सही डायरेक्शन में जा सकते हो। प्राइसिंग के हिसाब से आगे पीछे करोगे तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों सेबी से रिलेटेड। सेबी की अगर हम लोग बात करें तो सेबी चेयरपर्सन, काफ़ी ज़्यादा हम लोग को इनसे रिलेटेड खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी लगभग हम कह सकते हैं 3 से 4 एलिगेशंस अभी इनके ऊपर यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल चुके हैं। शुरुआत तो यहाँ पे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से ही यहाँ पे हुई थी, ठीक है, उन्होंने ही यहाँ पे सबसे पहले टारगेट इनको यहाँ पे किया था। देन उसके बाद की अगर हम लोग बात करें कांग्रेस पवन खेरा जी की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे एलिगेशन यहाँ पे लगा दिया था कि ICICI बैंक में पहले यहाँ पे काम किया करते थे एंड पोस्ट रिटायरमेंट ऑल्सो वो उनको यहाँ पे सैलरी यहाँ पे मिला करती थी करके। हालांकि ICICI बैंक ने इस एलिगेशन जो कांग्रेस ने यहाँ पे लगाए थे उनको खारिज किया, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कोई भी सैलरी या फिर इस ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट से भी चीफ को यहाँ पे नहीं दिए करके, तो ये भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। देन उसके बाद अगर हम लोग रिसेंटली बात करें तो सुभाष चंद्रा की अगर हम बात करें, ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही फ्रेश एलिगेशन लगा दिया जो कि काफ़ी 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 ज़्यादा डार्क है, जो कि आप देख सीधा सीधा उन्होंने मतलब करप्शन विरक्षण की बातें यहाँ पे की है। ठीक है, मतलब बोलने के लिए भी डर लगता है, क्यों, क्योंकि आप बहुत हायर लेवल के एलिगेशन लगा देते हो किसी के ऊपर। और ऐसा उन्होंने बोला क्यों, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न वो ये कह रहे हैं कि जी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें
ठीक है। सो आप सभी लोगों को पता ही है कि सोनी के साथ उनका मर्जर होने वाला था एंड वो मर्जर नहीं हो पाया। इसके पीछे उन्होंने कहा है कि सेबी चीफ ही जिम्मेदार है करके, ठीक है, ये उन्होंने यहाँ पे एलिगेशन यहाँ पे लगाया करके। एंड देन अगर हम लोग रिसेंटली अगर आज के दिन की बात करें तो सेबी के कुछ एम्प्लॉयज़ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने एलिगेशन लगाया है टॉप लीडरशिप अंडर द सेबी चीफ का मैनेजमेंट की हार्श एंड अनप्रोफेशनल लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं करके। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट है वर्क एनवायरनमेंट, एंड इस चीज़ के जो कंप्लेंट है उन्होंने फाइनली फाइनेंस मिनिस्ट्री को यहाँ पे करके रखी हुई है। तो ये देखने वाली बात होगी, काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। नो डाउट जैसे मैंने आप लोगों को कहा था इसमें पॉलिटिक्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, इसमें क्या सच है क्या झूठ है वो तो आगे ही यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन थी, न्यूज़ थी, जस्ट वो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है। बात करेंगे अदानी ग्रुप से रिलेटेड, तो अदानी ग्रुप अगर देखा गया तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं यहाँ पे। सो केनिया में भी आप सभी लोग पता है एयरपोर्ट से रिलेटेड ये काम यहाँ पे करने वाले हैं, तो इसी से रिलेटेड केनिया में इनके खिलाफ हम लोग को प्रोटेस्ट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को भी हम लोग कह सकते हैं आने वाले समय में पॉलिटिकली ज़रूर यहाँ पे एक दिशा यहाँ पे दी जाएगी, बट इस चीज़ के चलते आप अदानी एंटरप्राइज जैसे स्टॉक को भी स्टडी कर सकते हो। आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे फाइनली मुकेश अंबानी के ऊपर। सो मुकेश अंबानी की बात करें टुमारो, कल के दिन की बात करें, कल क्या है भाई, 5 सितंबर है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने रिसेंटली जो एजीएम हुई थी वहां पे उन्होंने बोला था कि हम 1:1 का बोनस देंगे, बट इस चीज के लिए आपको 5 सितंबर का इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए अप्रूवल हमें चाहिए, एंड अप्रूवल के लिए 5 सितंबर कल पता चल जाएगा कि रिलायंस इंडस्ट्री 1:1 का बोनस देते हैं या नहीं। वैसे तो देखा गया कॉमन सेंस वाली बात है भाई, अनाउंसमेंट करने वाले मुकेश अंबानी थे, रिलायंस इंडस्ट्री अल्टीमेटली अगर देखा गया शेयर होल्डिंग के हिसाब से कंट्रोलिंग स्टेक भी इन्हीं के पास देखने को मिल जाता है, तो आई गेस इट जस्ट अ फॉर्मेलिटी, बट फिर भी ऑफिशियली तो मैं ऐसा बोल नहीं सकता, गलत रहेगा। तो चले कल शायद से ये फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी। एंड वैसे भी देखा गया इतना बड़ा ग्रुप है भाई, कुछ चीज़ें बोलकर वापस पीछे हटा लेना ये तो एक मतलब इतने बड़े ग्रुप के लिए शोभा तो यहाँ पे नहीं देती है। तो चले कल का दिन शायद से जो बोनस वाली अनाउंसमेंट है इट जस्ट अ फॉर्मेलिटी यहाँ पे रह जाएगी, तो देख लेते हैं कि कल क्या होता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।